हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि आप अपना जो सिविल स्कोर होता है वो आप सिविल की वेबसाइट से भी यहाँ पे देख सकते हो। आपको एक 0 रुपए की कॉस्ट पे, और वो भी अपने जो सिविल में कोई गलत रिपोर्टिंग हुई है तो उससे रिलेटेड आप डिस्प्यूट भी फाइल कर सकते हो, वो भी सिविल की ऑफिशियली वेबसाइट में। इसके लिए मैं बता दूं, आपको 1 रुपए की भी कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे कर लीजिए प्रेस, ताकि मैं कोई वीडियोज़ डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले यहाँ पर पहुँच। अगर मैं बता दूं उसमें पहले से कि अगर एक सिविल की डिटेल रिपोर्ट आप देखते हो तो उसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप एक डिटेल रिपोर्ट नहीं देते हो तो इस पर आपको पैसे देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिविल में कि वेबसाइट में जा करके बात करेंगे कि कैसे आप लोग को अपना सिविल स्कोर फ्री में चेक करना है, और साथ ही साथ में कैसे यहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू आ रहा है, जो भी गलत रिपोर्टिंग हुई है आपके सिविल की वेबसाइट में, उसे आप यहाँ पे करेक्ट करवा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल सेक्शन पे, और वहाँ पे मैं पूरा मोबाइल से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाना है आपको सिविल की वेबसाइट पे। आप देख सकते हो सिविल की वेबसाइट क्या है, www.civil.com है, तो उस पर आप क्लिक करना है आपको, तो आप डायरेक्ट पेज पे पहुंच जाओगे। इसके बाद पेज पर आप देखोगे दोस्तों तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे ऑफर्स के लिए, लेकिन आपको किसी पे क्लिक नहीं करना। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। देखो, आपको ये अगर पेमेंट वाला नहीं करना, पेमेंट में बस ये होता है डिटेल रिपोर्ट होती है, लेकिन इसके बिना भी आपका काम हो जाता है। आपको राइट साइड में 3 लाइनें दिख रही है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको मेंबर लॉगिन दिख रहा है, तो उसमें मेंबर लॉगिन करना है। ठीक है, तो आप मेंबर लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, जो कि आपके पास नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, रजिस्टर नाउ करना है। अब रजिस्टर नाउ करने के बाद देखो, जैसे कि आपको दिख रहा है कि पेमेंट करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें पेमेंट नहीं करना है। हालांकि आपको गेट 1 मंथ में क्लिक करना है, उससे आपकी आईडी बन जाएगी, है ना। तो आपको पेमेंट वैसे पेमेंट में नहीं जाना है, बस आपको पहले आईडी बनाना है। आईडी बनाने के लिए आपको इसमें क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो, उसके बाद जो है आपसे पेमेंट के लिए बोलेगा, लेकिन आपको उसको स्किप करते जाना है। उसके बाद आपको पहले जो है पर्सनल डिटेल मांगेगा अकाउंट क्रिएट करने के लिए, तो आपको पर्सनल डिटेल में अपना मेल आईडी डालनी पड़ेगी। जैसे कि मैं अपना मेल आईडी डाल देता हूँ, हालांकि इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है ब्लर कर दूँगा ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न। और इसके बाद मैं अपना पासवर्ड सेलेक्ट करूँगा, और पासवर्ड आपको किस तरह का होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने मेल आईडी तो डाल दी अपनी, अब डिजिटल बनेगा इंडिया। इसके बाद आपको पासवर्ड ऐसा सेलेक्ट करना है जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हो और कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो, और आपको साथ ही साथ में आप स्पेशल करेक्टर भी दिलक्सर रख सकते हो। ठीक है, फिर आपको फर्स्ट नाम डालना है दोस्तों, फर्स्ट नाम अपना, जैसे फर्स्ट नाम जो भी है, जैसे मेरा नाम राहुल है फर्स्ट नेम, और लास्ट नेम सिंह है, तो मैं अपना वो नाम डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में आईडी टाइप डालना है आपको, तो आईडी टाइप में मैं बोलूँगा आपको कि इनकम टैक्स आईडी लिखा है, पैन लिखा है, तो आप इसमें पैन मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। हालाँकि आप वोटर आईडी भी डाल सकते हो, पासपोर्ट नंबर भी डाल सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं वोटर आईडी नंबर ज़रूर लिखा हूँ, लेकिन मैं डालूँगा पैन कार्ड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पैन कार्ड नंबर डाल लूँगा। ठीक है, डाल लेता हूँ पैन कार्ड नंबर में, और इसके बाद मैं आपको आगे प्रोसेस करके बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने डाल लिया है, अब मैं आगे अपना पिन कोड डाल दूँगा और मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल के और सबमिट कर दूँगा। तो इसके बाद प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद एक नया पेज खुलने वाला है, तो नया पेज में वेरीफिकेशन कोड आएगा, तो उस वेरीफिकेशन कोड को आपको डाल देना है। जब वेरीफिकेशन कोड डाल दोगे आपको, तो मैं बता देता हूँ, पहले तो मैं वेरीफिकेशन कोड डाल लेता हूँ। वेरीफिकेशन कोड डालने के बाद आपको करना क्या है, आपको कंटिन्यू कर देना है। जब आप कंटिन्यू करते हो वेरीफिकेशन कोड डालने के बाद में, तब मैं आपको बताता हूँ क्या पूछता है, कि क्या आप जो डिवाइस यूज़ कर रहे हो क्या वो आपका खुद का है, क्या उस पर ट्रस्ट है, तो बस कर देना यस। क्या कर देना, यस। दो ऑप्शन आएंगे, यस और नो, तो आपको यहाँ पर कर देना यस। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद ये विंडो खुलेगा जिसमें आपसे पेमेंट मांगेगा। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, आपके पेमेंट की डिमांड करता है। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आपको पेमेंट की डिमांड बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको पेमेंट लग जाता है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। देखो, आप देखो, आपके पास एक कोई ऑप्शन नहीं दिखता, जब आप पेमेंट में जाते हो तो आपसे पेमेंट मांगता है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको पेमेंट नहीं लगेगा। देखो, जैसे पेमेंट में गए तो आपसे क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगेगा, डेबिट कार्ड की डिटेल मांगेगा, तो ये सब आपको नहीं करना है। अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है, तो इसी बात में वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिसमें आपको फ्री सिविल दिखेगा और फ्री में आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हो, और वो भी सिविल की वेबसाइट से ही। आपको सबसे नीचे जाना है,
जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे नीचे जाना है, यहाँ पे दिखा है गेट माय फ्री एनुअल सिविल स्कोर एंड रिपोर्ट, आप दिख गया होगा, सबसे नीचे जाओ, सबसे नीचे गेट माय फ्री सिविल रिपोर्ट एंड एनुअल रिपोर्ट, उस पर क्लिक करने के बाद यू हैव सक्सेसफुली इनरोल्ड आ गया। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है डैशबोर्ड पे। कंटिन्यू करने के बाद आपको अपनी सिटी डालना है, इनकम टाइप डालना है और मंथली इनकम डालना है। ये तीन चीज़ें डालो, आपका सिविल स्कोर दिख जाएगा तुरंत के तुरंत। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपनी सिटी, थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्क्रॉल मतलब हाइड कर लूँगा इसको। आपको अपनी सिटी डाल देना है, मंथली इनकम डालना है। ये तीन चीज़ें डालने के बाद आपको अपना सिविल स्कोर, आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ये डालने के बाद आपको अपना जो सिविल स्कोर है वो एकदम स्क्रीन पे जो है विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं गेट पर्सनलाइज में कर देता हूँ, तो उसके बाद मेरा सिविल स्कोर ओपन हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखो, ये सिविल आ चुका है और ये देख सकते हो सिविल दोस्तों 682 सिविल है, जो कि काफ़ी डाउन हो गया था लॉकडाउन के टाइम पे और अभी भी इसको रिकवर होने में टाइम लग रहा है दोस्तों। तो ये देख सकते हो दोस्तों, सिविल यहाँ पे ओपन हो चुका है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, और एकदम लाइव प्रूफ करके बताया हूँ दोस्तों। और यहाँ पे एक ऑफर भी मिल रहा है लोन का दोस्तों, देख सकते हो आप, फ्री में सिविल आपने देखने को मिला। और यहाँ पे लेकिन अगर ये पूरी रिपोर्ट नहीं देख सकते आप, क्योंकि पूरी रिपोर्ट अगर देखनी है आपको तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, लेकिन आपको बिना सब्सक्रिप्शन के ही आपका काम बन चुका है। अब मैं बात कर लेता हूं, अगर आपको डिस्प्यूट फाइल करना है तो आपको करना क्या है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी गलत रिपोर्टिंग हुई तो आपको करना क्या है, यहां पे एक ऑप्शन है अपडेट माय इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो आपको अपडेट माय इंफॉर्मेशन में क्लिक करना है। तो आपको ये तीन इन्फॉर्मेशन ही अपडेट करने के लिए बोलेगा, तो आपको ये इस पर भी क्लिक नहीं करना। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है, इसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने पे रेज डिस्प्यूट में जाना है। अब यहाँ पे रेज डिस्प्यूट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, सबसे ऊपर जाना है और सबसे ऊपर मैं बता देता हूँ आपको, और आपको जो थ्री लाइनें दिख रही हैं उस पर क्लिक करके आपको जाना है क्रेडिट रिपोर्ट में। आपको क्रेडिट रिपोर्ट में क्लिक करना है, और क्रेडिट रिपोर्ट में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, ऐसा पेज खुलेगा जिसमें आपको ऑप्शन दिख जाएगा रेज या डिस्प्यूट का। तो इस रेज या डिस्प्यूट में आपको क्लिक कर देना है, रेज या डिस्प्यूट में जैसे ही आप क्लिक करते हो तो उसके बाद आपको ऐसा पेज खुलेगा, डिस्प्यूट सेंटर खुलेगा। तो आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको एक रुपये की देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। तो यहाँ पे आप डिस्प्यूट एंड आइटम में क्लिक कर सकते हो, और डिस्प्यूट एंड आइटम में क्लिक करने के बाद आपको जो भी डिस्प्यूट फाइल करना है उसका यहाँ पे वो पेज ओपन हो जाएगा। अब डिस्प्यूट सेंटर में आपको, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था किस किस चीज़ में आप फाइल कर सकते हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इन सारी ही चीज़ों में कर सकते हो। इसके बाद बस आपको ओके सेक्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद पूरी डिटेल यहाँ पे डाल देनी है, और आपका जो सिविल स्कोर है वो आपको जो है जो भी गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है वो करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ तक तो मैंने बताया आपको कि फ्री में कैसे आप सिविल में एक डिस्प्यूट फाइल कर सकते हो। अगर आप इसके आगे की डिटेल जानना चाहते हो कि क्या क्या डिस्प्यूट फाइल कर सकते हो, तो आप मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बता रखा है आपको कि कैसे आगे प्रोसेस करना है। हालांकि इस वीडियो में मैं थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन करेक्ट करना चाहूँगा, इसमें मैंने बोला था कि आपको इसके लिए पैसे लगते हैं, तो हाँ ये पैसे लगते हैं, लेकिन आपको डिटेल रिपोर्ट के लिए आपको पैसे लगते हैं, लेकिन अगर आप डिस्प्यूट फाइल करना चाहते हो तो वो फ्री में भी यहाँ पे कर सकते हो, उसके लिए मैंने प्रोसेस इसमें बता रखी है। और अभी आज की वीडियो मैंने कंप्लीट बता दिया है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे करना है। तो अभी जाइए, अगर सिविल अगर आपका ख़राब हुआ है तो आप जो है मतलब करेक्ट करवाइए, आपका हो जाएगा डिस्प्यूट में। आपको क्लिक करके उस जो भी सिविल में गलत रिपोर्टिंग करी गई है उस पर आपको क्लिक करके चीज़ें करनी है, और आपको अब आगे का तो इतना तो पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसी तरह की वीडियो फ्यूचर में देखना चाहते हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को कुछ हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका सिविल सही हुआ या नहीं।